ओह हो मास्क सामने पड़ा था, पता ही नहीं लगा। क्या 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 तैयार करें। हाय 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 इस्लामाबाद कभी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग टू माय न्यू व्लॉग। उठ चुका हूं मैं, लेकिन उठने का दिल नहीं कर रहा। अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग होगा बहुत ही खास। कैसे मैंने खुद नहीं पता। डेली रूटीन बताई जाएगी, आपको पता है डेली रूटीन के बारे में व्लॉगिंग होती है और क्या होती है। लेकिन अभी मैं सबसे पहले फ्रेश होके आता हूं आपके पास कि गंदा मुंह लेके तड़े सामने गल्ला करी जाना है। ओके गाइस, अभी आया। टोटो बगैर पानी जाया किए हुए सबसे पहले हम फ्रेश होंगे, फिर आते हैं आपके पास शुरू करके। हाँ सो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली आपका भाई ने वजू कर लिया है, फ्रेश हो गया हूँ। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह रमजान बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। फ्रेश हो चुका हूं मैं, वजू कर लिया है माशाल्लाह से, और अभी करेंगे हम सहरी। सहरी के बाद पढ़ेंगे फजर की नमाज, और उससे पहले आप सबको पता है ना हम क्या करते हैं। हम सबसे पहले किचन जाते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है क्या नहीं। चलो हाँ सो गाइस, किचन में आ चुका हूँ। किचन में धुंध पड़ी हुई है। ओ अच्छा, धुआं है, पराठे बन रहे हैं। क्या चाय की रंगत तो चेक करो यार, चाय कतरीना कैफ ने बनाई है क्या। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। वाह माशाल्लाह, मामा जी कमाल कर देती हैं आप तो। फिजा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? पिंकी पिंकी इंकी पिंकी पोंकी का तो पोंक। मामा हुन किद्दां तबीयत? लत सेट हुन? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी पराठे बन रहे हैं, सहरी का टाइम हो चुका है, अभी हम सहरी खाएंगे। मजा खजूरे मेरे भी रख लेना, ठीक है ना? अकेले अकेले खाते रहते हो खजूरेंस खजूरेंस। आए कसमें, क्या बात। अरे देखिए मां ये तड़का ला। आए आए क्या मम्मी ने ना भी पाया तो की फर्क पैंदा। हंस दे रिया करो सोनिया, हंस दे रिया करो सोनिया, ना इन्ना गुस्सा करया करो। कौन मेनू तो ना कहो, क्या बात। अबे झूठ बोलने लगे सी, चाह उबल गई वेख लो। यार मां चाह दी खैर हुंदी है, चाह उबलने के लिए ही तो बनती है। ले तू उच्ची कह ला, साइड पी साइड पी ले। सो गाइस, अभी सहरी का टाइम हो रहा है, हम सहरी करके फिर आते हैं आपके पास। ओके गाइस, हां सो गाइस, सहरी का सामान लगना स्टार्ट हो चुका है, और आपका भाई भी बैठ चुका है, क्योंकि चैन ना तो ताड़ा भाई बैंदा ही नहीं, लेकिन शुक्र है बैठ गया है। अभी मेरा दिल कर रहा मैं यहां पे ऐसे करके ना सो जाऊं। गाइस ऐसे खराटे कौन मारता है मुझे ये बताएं, नीचे कमेंट्स में लाजमी उसको मेंशन कीजिएगा। ओके हो गया। और अभी मैं सहरी का वेट कर रहा हूँ, पापा नमाज पढ़ रहे हैं, बाकी की अभी किचन में है। मोहम्मद अली आज नहीं जागा, मोहम्मद अली एक रोजा रखता है, एक छाड़ देता। अभी एज नहीं है ना माशाल्लाह, फिर भी रखता है, पूरा रखता है। कल उसका मुंह देखने वाला था, ओ मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लग गया, टेंशन नहीं लेने का। सो अभी सहरी करते हैं गाइस। सहरी आपने भी कर ली होगी उम्मीद है, और मुझे बताइएगा लाजमी आप सहरी में क्या खाते हैं। देखिए दही तो मस्त होता है ये देखे ना, और हम तो घर का दही जमाते हैं, और माशाल्लाह ऐसे होता है जैसे हाय 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 मजे। क्या बात है, क्या संगत है, क्या संगत है। हाय हाय कोई आ रहा है, फिजा उल हसन अली चौहान साहब आ रही हैं। क्या बात है फिजा, हाय हाय हाय। अच्छा फिजा भी इको बारी च सार दिया कि मैं सारा कुछ ही ले जाऊँ अभी। अच्छा मेरा साल थले मेरा साल नहीं सीगा। क्या बात है, कृषि या कसम। सो गाइस अभी मैं सहरी कर लूँ, सहरी करके फिर मैं आपसे बात करता हूँ, नमाज भी पढ़नी है, फिर भी आपसे बात करूँगा, टेंशन लेने का। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ो बच्चो, अभी सौमी गादिन नवैतु मिन शहरि रमदान। पढ़ो बच्चो, अभी सौमी गादिन नवैतु मिन शहरि रमदान। क्या बात है दही, क्या बात है, क्या बात। पढ़ो बच्चो, अभी सौमी गादिन नवैतु मिन शहरि रमदान। रोजा रखने की दुआ,
पर अभी हम रोजा रखेंगे। आए हाय हफीजा, खजूरां भी इधरों कर दी यार, खजूरां चेक कर कितनी प्यारियां लग रही हैं, कसम से खुदा हाय हाय कितनी प्यारी सैरी लग रही है। सो गाइस, सैरी के बाद मुलाकात होती है, मां ख्याल रखिए अपना, मुफ्त दिया चुमिया ना देने मेरी। हां सो गाइस, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने सैरी कर ली है, माशाल्लाह जजाकल्लाह, और उम्मीद है आप सबने भी सैरी कर ली होगी। और अभी टाइम है फजर की नमाज का, और अब पढ़ेंगे सब फजर की नमाज। जो नहीं पढ़ता उनू छितरा ना कुटो, उनू पढ़ाओ, उनू को चल उठ नमाज पढ़। और मैं भी नमाज पढ़ने लगा गाइस, उसे भी पढ़ो, फिर मिलते हैं नमाज तो बाद। हाँ सो गाइस, हमने मोहम्मद अली को उसके रूम से उठा के बाहर ले आए हैं, और ये देखें मोहम्मद अली इस टाइम बाहर आ चुका है। गुगलू मुगलू कैसे हो मेरे छोने मेरे पाले। और इसको बाहर लाने की मेन वजह क्या है, इधर गया, ये देखें गाइस, ये और कुछ नहीं है, मच्छर लड़ा है इसके, मच्छर ये देखे, ओ गाइस अंदर क्या हुआ, अंदर दो तीन मच्छर थे जो इसको लगातार बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। और ये इतना कोई घोड़े बेच के सोता है कि इसको पता ही नहीं होता, और उनकी दावत चल रही थी, फुल दावत। फिर मामा अंदर गया, मामा ने देखा कि यार दो तीन मच्छर इकट्ठे इसके बैठे हुए हैं और सर में से निकले हैं, तो हम परेशान हो गए। हमने कहा यार ये दो तीन मच्छर आए कहां से, कैसे, व्हाई, व्हाट, व्हाट, व्हाट द हेल इज दिस। मामा ने कहा उनकी दावत चल रही थी, उनकी तो पूरी दावत चल रही थी, वहां पर उन्होंने डिस्को लगाया हुआ था, उछल कूद कर रहे थे इसके सर में, उन्होंने इसके सर को वो स्टेज समझा हुआ था, वहां पे पार्टी चल रही थी उनकी, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, ये देखें अच्छी खासी पार्टी हुई है। ये मोहम्मद अली नेक्स्ट टाइम इन्ना भी घोड़े बेच के नहीं सोईदा कि तुम मच्छर इन्ने काट रहे हैं तो तुम पता नहीं लग रहा। दिस इज वेरी बैड, सो बैड, यस। हले भी नींद च गाइस, मच्छरों की बात, अभी मामा ने पिटाई कर दी है, दो मच्छर मार दिए, एक मच्छर रह गया था वो उड़ गया, पता नहीं कहाँ गया, वो ढूंढा ही नहीं हमें। तो फिर मामा ने कहा तुम बेटा बाहर आके लेटो, अंदर फिर अभी स्प्रे वगैरह करेंगे मॉस्किटो मारने वाली, तो फिर आप अंदर जाके लेटना। पता नहीं कहाँ से आई यार, फुली दावत चल रही है उनकी बेचारे का। चले कोई बात नहीं, अभी फजर की नमाज का टाइम हो रहा है, अभी हम फजर की नमाज पढ़ेंगे, फिर आपके पास आते हैं हम अपडेट लेके। ओके मोहम्मद अली, चल सो जा, अंगूठी खाई बस। हाँ सो जान के टोटो मोहम्मद अली सो चुका है, और मैंने भी नमाज पढ़ ली है। और आपको पता है कि जब नमाज मैं पढ़ लूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद क्या होता है कि मुझे ऐसे नींद आ रही होती है, ऐसे नींद जैसे आंधी में शापर आता है, इतनी स्पीड से। सो गाइस, उम्मीद है आप सब ने भी फजर की नमाज पढ़ ली होगी, और मुबारक हो आपने अगर फजर की नमाज पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज पढ़ ली है, अब मैं जाऊंगा सोने क्योंकि मुझे बहुत नींद आई हुई है। और फिर आपसे मुलाकात होती है जोहर के टाइम, और आज ज़रा खत शत भी करवानी है, ज़रा सोने बच्चे बन के आना है। तो तब होती है आपसे मुलाकात, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं जोहर टाइम। अस्सलामु अलैकुम गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब, ठीक होंगे, उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। उठ चुका है आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी आपका भाई वजू करके इंशाल्लाह जोहर की नमाज पढ़ेगा, और जोहर की नमाज पढ़ के आपके पास आएगा। और उम्मीद है आप सबने भी जोहर की नमाज पढ़ ली होगी, अगर नहीं पढ़ी तो छती छती जाके पढ़ो, चलो मिट लाओ। तो गाइस अभी मैं जोहर की नमाज पढ़ के आपके पास आता हूँ। हाँ सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह जोहर की नमाज मैंने पढ़ ली है, माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह, उम्मीद है आप सबने भी पढ़ ली होगी। सो गाइस अभी मैं जाऊंगा थोड़ी खदशत करवाने और हल्की फुल्की कटिंग करवाने, क्योंकि बाल बहुत महीना पहले खत्म नहीं होया, शैतान पहले याद हो गया। मेरी भी कटिंग करानी है। अच्छा कटिंग करवानी है आपने, कौन सी करवानी है आपने बताओ मुझे। आगा मर के नीचे से ब्लीच बिल्कुल, और ऊपर से भी छोटे छोटे। अच्छा छोटे छोटे बाल करवा देने हैं, तो बड़े क्यों किए थे, इतने बड़े बाल हो गए थे ये देखो। पहले बस वैसे शौक शौक। अच्छा कर लिए, अब छोटे छोटे। अभी संभाले नहीं जा रहे होंगे, बहुत गर्मी लगती है। हाँ बड़े बाल में बहुत, मैंने भी रखे थे जब मैं कराची में था ना, तो मैंने भी बड़े बाल रखे थे, लेकिन मुझसे भी ज्यादा फेस नहीं गए थे, तो मैंने फिर कटिंग करवा दी थी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं कटिंग करवाने, और कटिंग करवा के खच्चर करवा के पप्पू बच्चे बन के हम दोनों फिर आते हैं आपके पास, और वहां पर भी मुलाकात करते हैं, साथ साथ आपको बताते रहते हैं कहाँ पे हम जाते हैं, कहाँ से हम कटिंग खत्म करवाते हैं। ठीक है मोहम्मद अली, चल निकल जाते, निकल निकल जाते। हाँ तो मोहम्मद अली ने लंडे के शूज निकाल, वो ब्रांड के शूज निकाल लिए हैं, और चलने लगे हैं मेरे साथ कटिंग करवानी है। सब गाइस हम भी अभी निकलते हैं, और मेरा मास्क किधर है मोहम्मद अली, आपको पता है ना, आपके भाई को सभी पहचान लेते हैं। ड्रेसिंग पे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ यहाँ। हाँ बाइक की चाबी यहाँ पे है, मेरी ग्लासेस भी नहीं है यहाँ पे, और मास्क भी नहीं है। किधर है,
इसी अलमारी में रखे अंदर। यार बता दिया करो, बताता भी नहीं है यार। शायद कह रहा हूं मैं, शायद। अच्छा शायद, अभी भी शायद कहा है। और यहाँ पे ना मेरा मास्क है और ना मेरी ग्लासेस है यहाँ पे। तो हम अपने सीक्रेट रूम को चेक करते हैं। सो गाइस, पूरे घर की छानबीन करके अभी मेरे जहन में आया है कि मेरी बहन ने लाजमी यहाँ रखा हो। ये देखें, ग्लासेस मिल गई, ग्लासेस मिल गई, मास्क नहीं होता, मास्क होता। ये लो आपका मास्क मिल गया, इसको अच्छी तरह साफ कर लेना, पता नहीं कितने कितने रखा हुआ है। तो मेरा मास्क किधर है यार? ये तो बहुत ही रोंग बात है, वो मदली है, तो बहुत गंदी बात है। किधर है ये? नीचे देखो, मैं खोल के इसको। ओ मास्क सामने पड़ा था, पता ही नहीं लगा। सामने पड़ा था, पता ही नहीं लगा। तो पता ही नहीं लगा गाइस। ओए होए होए, चले अभी निकलते हैं फिर। सही है, तो अभी हम मास्क पहनेंगे, फिर हम लगाएंगे अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्लासेस। और अब हम हो चुके हैं खिलाड़ी फॉर गोइंग बाहर। मोहम्मद अली आप भी पहनो, चलो 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 पहनो, पहन के आ जाओ। किधर है चाबी बाइक की? ये हमने पकड़ी बाइक की चाबी, और अभी हम निकलने लगे हैं। मामा जी बाहर गए हैं, चलो ठीक हो गया। अभी लगता नाना बुगर गए हैं, है ना। चले फिर गाइस, हम निकलते हैं अभी। अभी हम निकलने लगे हैं और ये हम बैठ गए अपनी हैवी बाइक पे। ये है अपनी शहजादी बाइक, ये है अपनी शहजादी बाइक। गाइस ये इतनी शहजादी बाइक है ना, अगर किसी ने बाइक ले ली ना और जरा हैवी दिखती हो, यानी कि चुप करके ये वाली बाइक लो इन पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा जंप होते हैं, और दूसरी बाइक जो होती है ना जो ज्यादा हैवी होती है वो खराब हो जाती है, उसकी जो होती है ना वो शाख जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। आज दोबारा किसने लगाना है? मैंने। तो आप कैसे लगाओगे? अंदर होगे कि बाहर होगे? बताते नहीं मुझे। वो सामने आपकी सहेली भी देख रही है आपको। तो चलो जाके ना अभी मामा को बुला के लाओ पहले, फिर बंद करते हैं। हाँ, सो गाइस इस टाइम हम अपने रूट पे निकल चुके हैं। क्यों मोहम्मद अली? निकल चुके हैं और अभी हम वहाँ पे पहुँच के और अभी हम वहाँ पे पहुँच के आपसे रब्ता करेंगे, आपको बताते हैं कि हम कैसी कटिंग करवाएंगे और हमें कैसी कटिंग करवानी चाहिए। अभी हम वहाँ पे पहुँच के आपको हम सभी अपडेट देंगे, और आप सबने मुझे बताना है कि मोहम्मद अली को कैसी कटिंग सूट करनी चाहिए। ओके गाइज, लव यू। हाँ तो जान के टोटा, इस टाइम हम गोजरा सिटी में हैं, और ये देखें माशाल्लाह हमारी सिटी की रौनक चेक करें। हाय 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 हाय, इस्लामाबाद का भी प्यारा है साडा सिटी गोजरा। इतना ही है मोहम्मद अली। ये हमारी मस्जिद सामने जो फेमस मस्जिद है, कच्चा गोजरा चौक इसको कहते हैं। और अभी हम यहाँ से टर्न करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ। क्या हाल है आपके? ये देखिए हमारा ये गोजरा है भाई, गोजरा। हाँ जी, ब्यूटीफुल सिटी है। बस जो लोग गोजरे को बात करते हैं दफन हो जाएंगे। और ये देखें सबसे पहले हम मिलेंगे अपने प्यारे भाई सुहेब को। ये हमारी जान का टोटा है, और मैंने खत कटिंग अगर करवानी होती है तो मैं यहाँ से ही करवाता हूँ। और ये मेरा स्पेशल बंदा है जो मेरी खत हमेशा करता है, और इस जैसी खत कोई नहीं कर सकता भाई, सिंपल सी बात है। और सुनाओ कैसे हो? जनाब क्या हाल है? सब कुछ उतारिया यार, न्यूली करवा रहे सारे हैं। क्या बात है, सहेब छा गया, सहेब छा गया। अच्छा सहेब की कटिंग वाला कैसी करनी? नीचो वाल इस तरह फुल स्टाइलिश मतलब छोटे करने इन्ने ज्यादा वड्डे नहीं, इहदे को संभाले नहीं आंदे वड्डे वाल। मेरी भी खत करनी है। हां बैठ गया बस।
हाँ तो जुहेब ने चलाया अपने हाथों का जादू और मोहम्मद अली की कटिंग करना स्टार्ट किया और मुझे साथ साथ सलाहें दी कि भाई कैसी करनी है, क्या करना है क्या नहीं। तो मैंने कहा भाई जुहेब ऐसी कटिंग होनी चाहिए कि कोई भी मोहम्मद अली को देखे ना कहे यार कटिंग करवाई तो करवाई कहाँ से, एक दफा मुझे ये तो बताओ। हाँ, सो गाइस मैं गया था थोड़ा सा बैंक की तरफ, लेकिन बैंक अनफॉर्चुनेटली बंद था, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे सैलून की तरफ क्योंकि वहाँ पे मोहम्मद अली की चल रही है कटिंग। तो अभी गाइस हम जा रहे हैं सैलून की तरफ, वहाँ पे मिलते हैं। तो जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि जुहेब ने मोहम्मद अली की कटिंग आधे से ज़्यादा कर भी दी है और मोहम्मद अली लुक सो गुड, हैंडसम बॉय लग रहा है मोहम्मद अली इस टाइम, और जुहेब फुल कंसंट्रेशन के साथ इस टाइम कटिंग कर रहा है, क्या बात है। तो मैं आया था यहाँ पे कटिंग खत्म करवाने, लेकिन अल्लाह तवक्कल काम क्या हुआ कि अंदर चल रहा था काम, पेंट वगैरह का काम हो रहा है, और पेंट का जो काम ऐसा है कि उसकी जो खुशबू होती है ना पेंट की, वो मुझे बहुत गंदी चढ़ती है, मुझे एलर्जी है उसकी पेंट से, तो मुझे नजला हो जाता है उससे, तो इस वजह से मैं अंदर नहीं बैठ रहा, मैं बाहर आके बैठा हूँ। लेकिन मोहम्मद अली की इस टाइम कटिंग हो रही है अंदर, तो जैसे ही उसकी कटिंग होती है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक हो गया गाइस। और फिर मैंने जब अंदर आकर देखा तो मोहम्मद अली मेरी तरफ ही देखी जा रहा था, सामने शीशा नहीं लगा हुआ था, देख रहा था, बार बार कह रहा था भाई मुझे भी कटिंग दिखाओ, भाई मुझे भी कटिंग दिखाओ, आखिर मेरी कटिंग हो कैसे रही है। तो जुहेब ने कहा अभी नहीं भाई, हम दिखाएंगे, हम प्रॉपर कटिंग करके अपनी कैंची का जलवा दिखा के फिर आपको आपकी कटिंग दिखाएंगे। तो फिर मैंने सोचा यार इस साइड से भी तो कटिंग दिखानी चाहिए, और उसके बाद फिर हमने मारा मोहम्मद अली के मुंह पे ड्रायर, अरे मुंह पे नहीं बालों पे ड्रायर, और मोहम्मद अली हो गया चकाचक धनाधक। उसके बाद ये देखें भाई कटिंग तैयार, बच्चे की कटिंग तैयार। उसके बाद हमने दिया जुहेब को अंगूठा और हम वहां पे नहीं। हाँ, सो गाइस मोहम्मद अली की हो गई है कटिंग, मैंने नहीं करवाई आज क्योंकि अंदर पेंट का काम हो रहा था, और आपको पता है पेंट से मुझे नजला हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो इस वजह से मैं अब एक दो दिन ठहर के यहाँ हम करवाते यहाँ से ही है, और किसी और कई जगह से हमने कटिंग नहीं करवानी होती। तो मोहम्मद अली की कटिंग हो चुकी है, अब हम घर जाके आपसे रब्ता करते हैं, ठीक है मोहम्मद अली, ओके। हाँ तो गाइज उसके बाद हम आए गोजरा की मशहूर जलेबी फरोश के पास, देखें उसका ये मासूम सा चेहरा और प्यारी सी जलेबियाँ। इसका व्लॉग भी आपको बहुत ही जल्द मिलेगा, बने रहिए साथ। सो गाइज फाइनली हम घर आ चुके हैं और मोहम्मद अली की कटिंग हो चुकी है, मेरी कटिंग रह गई। मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे पेंट का जो होता है ना, वो जो उसकी खुशबू आ रही होती है उससे नजला जुकाम हो जाता है, ज्यादा देर अगर मैं उसको ऐसे ब्रीथ करूँ ना तो मुझे नजला जुकाम हो जाता है। तो मैंने कहा निकलो भाई जल्दी से निकलो वहां से। तो अभी हम घर पहुंच चुके हैं और मैं लेके आया था थोड़ा मामा के लिए समोसियां वगैरह, कचौरियां वगैरह, तो हम किचन की तरफ चलते हैं। ओके लो, तो हम किचन की तरफ आ गए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी लगी मामा मोहम्मद अली की कटिंग? हाँ जी, क्योंकि वो ड्रायर वजा ना हूं इतो बाल ज्यादा तान तुम लग। ए मामा जी मैं लैके आया था डलिए समोसियां ते कचौरियां। की मतलब निकली जानी है हलो इतनी सी नहीं है, 20-15 होंगी, 15 थी एक समोसे ना एक चटनी दी थी। हां तो फिर ऐसा वाला तो ही नहीं होड़िया। अच्छा अच्छा, मोहम्मद अली वाकई बहुत ज्यादा, उन्होंने मैं कहा सीगा यार चटनियां थोड़ी वध पा दी, उन्होंने तो बिल्कुल ही वध पा दी। वध पा लेती है ना, उन्होंने कहा ले मौजा करो नेक्स्ट टाइम मंगी ना चटनी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। आई एम वेरी हैप्पी कि आप भी थोड़ा कोई काम शाम कर रही हैं आज। हाय क्या बात है, क्या बात है, आलू छिल रही हैं, क्या बात है, मोहम्मद अली छिल दो। मामा जी आज की है फिर फिजा, तेरी मोज़रेला चीज भी ले आंदी हो? यस ठीक है, कल को यार फिजा तेरे हाथ का पिज्जा मैं तरस गया, बगैर खाए मैं नहीं खाना। मामा कहते कल बनाएंगे, आज इतना कुछ बन जाएगा। सो गाइस अभी इफ्तारी की तैयारी होने लग गई है और असर की नमाज का भी टाइम हुआ है, तो मैं असर की नमाज पढ़ के फिर आपके पास आता हूँ। हुआ है। हाँ सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अभी असर की नमाज पढ़ ली है, और आप ही पता नहीं क्या लिए, क्या आप क्या है ये, व्हाट इज दिस? दिस इज ब्रेड रोल। अच्छा ये आपने खुद बनाए हैं? ये आपने खुद बनाए हैं? जी। चले फिर मैं लाजमी बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ओ मतलब मैं लाजमी खाऊंगा। तुम खाना भी मत। नहीं मैं लाजमी खाऊंगा। वरना मैं तुम्हारे लोग लाइक नहीं करूंगी। निब्बू की थे? निब्बू घर। अच्छा अच्छा, ये हमारी आपी आई हैं, बाय बाय कर रही हैं। ओके अल्लाह हाफिज। तो आज की अच्छी बात माशाल्लाह इफ्तारी का, आप ही आ जाओ खोल लो रोजा। चलो किसी दिन आपका स्पेशल इफ्तारी करते हैं, इफ्तारी व्लॉग बनाएंगे हम। नहीं,
तो अभी इफ्तारी का सारा सामान भी लग चुका। तो आज की अच्छी बात पापा हमें बताएंगे। जी पापा जी, आज की अच्छी बात क्या है? आज की अच्छी बात यह है कि दो चीजें जिंदगी में बहुत अहम है, अल्लाह का डर और अल्लाह का दर। जिस शख्स को ये दोनों नसीब हो जाए वो बहुत खुशकिस्मत इंसान है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज की अच्छी बात पापा ने बताई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात बताई है। और अभी इफ्तारी का टाइम होने वाला है, सारा सामान लग चुका है और अभी हम इफ्तारी करेंगे। इफ्तारी के बाद आपको बताते हैं और अपडेट देते हैं। ओके गाइज, लव यू ऑल। हाँ सो गाइज, आज का डेली व्लॉग भी कंप्लीट हो चुका है, इफ्तारी कर ली है माशाल्लाह और अब हो रहा है मगरब की नमाज का टाइम। तो अभी मगरब की नमाज पढ़ के फिर मैं सो जाऊंगा, बहुत नींद आ रही है भाई। अच्छा पता क्या बात है, जब लेटते हैं ना नींद आ रही होती है, लेट जाते हैं, लेकिन जब मोबाइल यूज करने लग जाओ तो मतलब ऐसा लगता है नींद उड़ गई, फिर नहीं नींद आनी, फिर कहना कि चलो यार जागते रहते सहरी करके सोऊंगा, और सहरी टाइम इतनी नींद आ रही होती है कोई हाल नहीं। पर गाइज अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत ऐसे ही प्यार बरसाते रहे। मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज, लाइक माई वीडियोज, ऐसे ही प्यार बरसाना है आपने, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।